अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्किनोरेन क्रीम के बारे में बताऊंगी कि ये कौन सी स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। इसके अलावा मेरे चैनल की बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने के साथ ही आप तक पहुँच जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ और इन्फॉर्मेटिव भी हों और शॉर्ट भी हों। तो जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। स्किनोरेन क्रीम, जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्किनोरेन क्रीम के नाम से ही आपको अवेलेबल होगी। ये आमतौर पर एक्नी एक्नी के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि एंटी एक्नी क्रीम है। ये पिंपल्स को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ वन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वर्क कर रहा है, वो है एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड जो होता है एक नेचुरल एसिड है, जो आमतौर पर वीट और बैरले वगैरह में पाया जाता है, जो स्किन के लिए अप्लाई किया जाता है। इस एसिड एसिड में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्किन के इन्फेक्शन और एक्नी वगैरह को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ऑयली स्किन में जो तो एक सब्सटेंट पाया जाता है सीबम के नाम से, वो एक्सेसिव होता है, जिसकी वजह से पोर्स जो होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ऑयली स्किन में। ये इसको कंट्रोल करता है, जिससे आपकी स्किन वाजह तौर पर क्लियर नज़र आती है और एक्नी आपकी ऐसा ऐसा रिमूव हो जाती है। इसके अलावा एक्नी के दाग धब्बों को भी ये ख़त्म करता है। इसके अलावा किसी किस्म के दाग धब्बे हैं आपकी स्किन के ऊपर, एक्नी के दाग धब्बे हैं, उनको भी ये क्रीम ख़त्म करती है। इस क्रीम को अगर आप विटामिन ए के साथ, यानी कि विटामिन ई की जो क्रीम होती है उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपकी पिगमेंटेशंस क्विकली ख़त्म होंगी। और अगर आप इससे अलोन भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपको 4 से 5 माह में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो 195 रुपीज़ की आपको किसी भी अच्छी मेडिकल स्टोर से यह क्रीम अवेलेबल होगी। अगर इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो यह स्किन को इरिटेट करता है। इसके अलावा आपकी स्किन रेड हो सकती है इसको लगाने से, इसीलिए किसी भी चीज़ को या किसी भी क्रीम को या किसी भी मेडिसिन को एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह स्किन को पीलिंग ऑफ कर सकती है। अगर आपका सन एक्सपोजर है तो आप प्लीज़ सन ब्लॉक का और सन स्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस क्रीम के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकें और आपकी स्किन सन बर्न से महफूज रहे। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि आप इसको इवनिंग में और एक टाइम मॉर्निंग में आप इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 हफ्ते में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इसके। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो सिर्फ नाइट में इस्तेमाल कीजिए। यह था मेरा रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।